किसी की कोई इज्जत नहीं है। जिसकी भी इज्जत है हुसैन के जिक्र के सदके में है, बस। हुसैन से हटकर, हुसैन से कटकर, हुसैन से बचकर, हुसैन की आजादारी को बर्बाद करके अगर ये चाहो कि किसी की इज्जत बाकी रह जाएगी तो अहमकों की जन्नत में रहते हो। खुदा के लिए समझो, होश करो, बिल्कुल ही लावारिसों की तरह जिंदगी बसर मत करो। तुम्हारा वारिस मौजूद है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी नीयतों के हाल से वाकिफ है, तुम्हारी जहनीयतों के हाल से वाकिफ है। दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया तमाशा देख रही है, और हम हैं कि हमारा न कोई पूछने वाला है, न हमारा कोई सुनने वाला है, न हमारा कोई कहने वाला है। याद रखो, तहफ्फुज़े अदादारी हमारी शरग हयात है। तहरीक तहफ्फुज़े अदादारी को फरोग दो और इस अदादारी को बाकी रखो। ये कोई इख्तलाफ अगर है तो उसे घर में बैठकर तय करो। शरीफ लोग, और आप तो शिया हैं, मोमिन हैं, अली के मानने वाले हो, सैयद सादे हो, औलाद अली और रसूल हो, गैर मुस्लिम और गैर मुहज्जब कौमें अब अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर बड़े बड़े मसले हल कर रही है। आप सारी बहादुरी अपनों पर दिखा रहे हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़ी बहादुरी की बात है। ये बहादुरी है, ये बहादुरी है, ये कोई बहादुरी नहीं है। मैं तो कहता हूं कोई इस बात को जरा सोच कर देखे। खुदा की कसम, मेराज है अगर मिंबर पे मौत आ जाए, मेराज है मेरी जिंदगी की आए और कोई गोली मारे। मेरी तो तमन्ना है कि इस मिंबर पे मौत आए, इससे बड़ी जिंदगी और क्या होगी, इससे बड़ी जिंदगी और क्या होगी। इसलिए कि जिक्र करते करते अगर मौत आ जाए, मेरा ईमान है खुदा की कसम, मौला हुसैन की कसम, अब्बास के अलम की कसम, खाकर कह रहा हूं कि मैं जब इस मिंबर पर आता हूं तो यह कहकर आता हूं, फातिमा जहरा मैं कुछ नहीं हूं, तेरे बेटे का जिक्र करने जा रहा हूं, तू जाने तेरा बेटा जाने। ये ईमान होना चाहिए कि यहां बतूल आई है, ये ईमान होना चाहिए। और फातिमा जहरा की बारगाह वो है जहां फरिश्तों को भी बगैर इजाजत के आवाज बुलंद करने का हक नहीं है। तो आपकी और मेरी हैसियत क्या है? हाँ, यानी हम अपने हर अकीदे का इंकार किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं हम शिया हैं। अगर यहां मासूमीन आते हैं तो यहां सांस भी अदब से लो। बतूल को पहले ही बहुत जख्म दूसरों ने दिए हैं, जरूरी है कुछ और जख्म लगाना? अगर किसी इमाम बारगाह में आज मजलिस नहीं हुई, जाकिर नहीं पहुंचा, वो उसकी गलती, नहीं पहुंचा, लेकिन वहां फातिमा तो पहुंची होंगी ना, तकलीफ नहीं हुई होगी बतूल को? कहां है मेरे बच्चे का जिक्र करने वाला? बाबा आपने कहा था कि खुदा एक कौम पैदा करेगा, बाबा ये है वो कौम। खुदा के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, ऐसा न करो, तमाशा न बनाओ। हाँ, फातिमा जहरा नहीं कहेंगी अपने बाबा से, बाबा ये है वो कौन, ये आपस में जो एक दूसरे के गरेबान पकड़ रही है, ये है वो कौन, ये जो मजलिसें उजाड़ रही है, ये है वो कौन, बाबा इसके इंतजार में मैं अब तक जन्नत में नहीं गई। कमाल है, अजीब है, इसके इंतजार में मैं अब तक जन्नत में नहीं गई। बाबा, बाबा मुझे दुनिया ने थोड़े जख्म दिए हैं, जो ये जख्म देने पर मुझे आ